This is Chucky. Alal. Uba. उठी पातू घेर एमली बेन, दिस चौकी है गेहूं ऐसे मुट्ठी में लेने का और ये काना है ने उसमें से डाल देने का देन होल्डिंग एंड गोइंग राउंड एंड राउंड अभी देखो मस्त आएगा आटा पीस के पाल मासी अब मुझे करने दीजिए ए ना ना तुम बेटो ने मैं कर रही नहीं नहीं पाल मासी मुझे मोती पाव को इंप्रेस करने है ना तो मैं सब करूंगी हाँ बात तो तारी सच ले ले तू कर लाइक दिस यो हियर ए ऐसा हाँ टाइट है एकदम हाल ओहो मुट्टी बातो ए हेलो मुट्टी बातो घेर माँ ये सब क्या लगा रखा है एक्चुअली पा मुझे मोती बा के लिए आटा का खीर बनाना है इसलिए मैं आटा पीस रही हूँ ये सब इस पाइलिन ने बताया होगा ना मोती बा को ऐसे ही पसंद था ना तो थोड़ा सा सिखा दिया हाँ 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 कुछ भी कर लो उसका कोई फायदा नहीं है वो इसके हाथ के बने आटे की खीर कभी नहीं खाएंगी क्योंकि उन्होंने तो गुंजन के हाथ का खाना खा लिया है अब कहाँ गुंजन कहाँ ये पर बा मुझे एक बार चाय करने दीजिए ना बरोबर छे पिंकी तो तुरंत मीठा खा जाएंगी और सबको लगेगा कि मोटी बा की आत्मा को एमिली पसंद है नहीं ऐसा नहीं हो सकता कुछ तो करना पड़ेगा चलिए गुंजन वो जब तक बाकी आत्मा इस घर से निकल नहीं जाती तो मेरे साथ ही रह तू साथ में रहती है तो थोड़ी हिम्मत बंधी रहती है एमिली सुनना देख मोटी बाकी आत्मा ना तुझी से नाराज है तो तू कहीं अंदर गई तो कुछ करना दे मुझे ना तेरे लिए बहुत डर लग रहा है बचा बचा मुझे कोशिश तो करने दो ना गुंजन बॉबी ये तेरा मुकाबला कर ही नहीं पाएगी गुंजन वो मुझे पता है बा इसके हाथ के बने आटे की खीर कभी खाएंगी नहीं गया मैं जाकर देखती हूँ बा ने मेरी खीर खाई है या नहीं अरे देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे मालूम है बा ने तेरे हाथ की खीर खाई नहीं होगी बा देखा आपने मोदी बा ने मेरी खीर खा ली तू बात ची बेबीडी नोई तीनी डोबी सी कहाँ गई? आ
मच्छर था, थैंक यू। मच्छर था, थैंक यू। इधर कंट्रोल, कंट्रोल नाम का एक प्राणी होता है, पता है तुझे? कि सिर्फ लुच्ची लोमड़िया ही पता है। हाँ, तूने वो सफेदी की चमकार की खीर खा ली? खीर खा ली? कुछ भी हाँ मोटी बहन, मैंने कोई खीर भी नहीं खाई, आपकी कसम। ए, झूठ मत बोला, तूने उसकी खीर खाई है पिंकुड़ी। अरे मैं खीर नहीं खाई मोटी बहन, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर मैंने खीर नहीं खाई तो फिर खीर किसने खाई? पायल की आवाज है। अबे कामने से क्या होगा मोटी बहन, मैं बोल रही थी भूत प्रेत की बातें मत करो, नाटक मत करो, तुम मेरी बात सुनी नहीं, अब ले लो बस। मोटी बहन पा, मोटी पा ने मेरा खीर एक्सेप्ट कर लिया, आई थिंक उन्हें मैं भी पसंद हूँ। हाँ हाँ मोटा भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है ने, मोटा बाप को जो व्यक्ति पसंद नहीं आता था उसके हाथ का वो पानी पानी भी नहीं पीती थी। पर उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब भा अगर किसी को भूख लगी है तो कोई भी खाना परोसे वो खा ही लेगा ना। मतलब आप सोचिए, आप चार दिन से भूखी प्यासी है और कोई नहीं है खाना परोसने के लिए। मतलब मैं तो हमेशा हूँ आपकी सेवा में, पर उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए, तो अगर एमिली आपको खाना परोसेगी ऐसे में तो आप खा ही लेंगी ना? ना बा। हाँ बा, बोल तो तू सही रही है, ये स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होता। कल श्राद्ध का आखिरी दिन, अगर बा ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो एमिली को पसंद करती हैं, तो एमिली को अपना सामान बांधकर अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। कौन है? मेरा जरूर बा होगी, ये औरत बिना सुबह से रात तक लोई पीनी। वहू ये कहा है, वहू वो कहा है, सोने भी नहीं देते बुढ़िया। तुम यहाँ क्या कर रही है? अरे मैंने तुझे निकलने के लिए मना किया था ना। मोटी बहन, मोटी बहन, मोटी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है मोटी बहन। वहाँ स्टोर रूम में ना सच्ची का भूत है मोटी बहन, हम दोनों को मोटी बा की आत्मा छोड़ेंगी नहीं। मोटी बहन मुझे बाप के साथ ही रहना है, हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। पिंकी जीने का तो पता नहीं, पर तू मरवा के जरूर रहेगी। ए बहन तू जाना यहाँ से। पिंकी तू घर में है? तू तो गांव गई थी ना? तेरे के पापा? हाँ। पिंकी? हाँ। पिंकी यहाँ का? वो तो गांव में है ना? हाँ हाँ।
एक मिनट, तू सपने में मुझे बता रही है कि मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ, और वो भी बिना बाकी आज्ञा के। नहीं, प्लीज मोटी बहन, मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं आपके बेड के नीचे ना चुपचाप सो जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकुड़ी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, तू जा यहाँ से, मुझे सोने दे। मोटी बहन, प्लीज मोतीबा, कोई सिग्नल दीजिए कि आप मुझे भी पसंद करती हैं। मुझे इस घर और आरिफ को छोड़कर नहीं जाना है, प्लीज मोतीबा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। पिंकी, पिंकी तो गाँव गई हुई है ना? नहीं, मैं तो कहीं गई नहीं थी, मैं तो यहीं थी। मतलब कि बाहे हमारे दिलों में है ना, तो यहीं थी हमारे दिलों में, आज सुबह ही बस से आई है। मैं तो क्या है गुंजन बहू? बकौवे, वो क्या है ना, ऊपर मैंने छत पे पॉपर रखे है ना, तो आ जाते हैं ऐसे। अब ये सब छोड़िए ना, क्या है ना, आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है ने? मतलब हमको ना एमिली को घर से निकालना ही है। हा? हाँ गुंजन बहू, आज तो उस सफेदी की चमकार को मैं घर से निकाल के ही रहूंगी। मुझे पता है बा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मम्मी, गुंजन भाभी, भैया पिंकी, पागली बाजी, जल्दी आओ। अरे, मम्मी, उनका क्या हुआ? तो क्लियर साइन है कि मोतीबा मुझे भी लाइक करते हैं। हाँ हाँ मोटा भाभी, देखो पहले ने मोतीबा के घोष ने फोटो फ्रेम तोड़ दिया, फिर उसी घोष ने फोटो फ्रेम जोड़े दिया। नहीं, यस, इतना कटमल कि शी लाइक्स मी टू। कटमल? नहीं नहीं मम्मी, वो कह रही है इसका मतलब, मतलब कटमल नहीं, मतलब शी लाइक्स मी टू। हाँ बा, अगर मोतीबा मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हाँ मोटा भाभी, बात तो बिल्कुल सच्ची है, अभी आपको भी एमिली वो को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक छे, अगर बा यही चाहती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। आज शाम को मैं एमली को चुनरी दे दूंगी। Really, Pa? Thank you, Pa. Thank you so much. Thank you, Pa. I'm so happy. Pakwan ji. Pakwan ji. Emily. भगवान जी, मैंने मोतीबा को इंप्रेस कर दिया, वो मुझसे बहुत खुश है। आत्मा तो विमुक्त है, निर्बाध है, कहाँ इन सब मोह के चक्करों में पड़ेगी? नहीं समझी? अंधेरे कमरे में भ्रम होता है, जब दिया जलता है तभी सच्चाई का पता चलता है, और तभी सब कुछ हमें साफ दिखाई देने लगता है और सब कुछ समझ आने लगता है। थैंक यू भगवान जी। ऐसे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कहाँ है हमारा नील बद्री पनीर केक? ब्लूबेरी केक? अभी लाए। बस बस मोटी बहन, आप ना रहने ही दो। मैं तो बोलती हूँ ना, आप एमली को भगाने का प्लान अब छोड़ ही दो, मत क्या करो। मुझे तो कभी कभी लगता है लुच्ची लोमड़ी का लुच्चापन, जहरीली मकड़ी का जहरीलापन, और कातिल बिच्छू का क्या होता है? Hmm.
शक था वो। अरे छोड़ो, जाने दो, जो भी होता है वो सब 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 खत्म हो गया। मैं बोल रही थी मत पड़ो भूत प्रेत के चक्कर में। लेकिन पिंकी की सुनता कौन है, ले लो मजे। आगे मोटी बाकी भूत फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब मनाना श्राद्ध आरव जी से मेरी शादी के सपने का। ये पिंकी तू मेरी बात सुन, देख पिंकुड़ी हाँ, तुझे कुछ महसूस हुआ? पिंकी मुझे ना ऐसा लगता है कि मोटी बा की आत्मा को ना एमिली बहुत अच्छी लगती है। सुना हम ना वो चपेटी के चंपल मतलब एमिली के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, हमारे मुंह से सिर्फ अच्छा अच्छा निकालेंगे उसके बारे में। मैं तो हमेशा से कहती थी मोटी बहन कि दूसरों का घर तोड़ करके उस घर की बहू बनने का सपना अच्छी बात नहीं है। देखना आरुण जी और एमिली दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना, है ना मोटी बहन? हाँ पिंकी, राम सीता की जोड़ी है। हाँ, पिंकी हाँ? मेरा मन कर रहा है कि उन दोनों की ना जोड़ी की नजर उतारूं। चलो पिंकी चल मैं दोनों की नजर उतारती हूँ। चल चल चलो। पिंकी मुझे ना ये देखा नहीं जाएगा कि बाई ये सफेदी के चमकार को ये चुनरी दे रही है। मेरा ना सपना टूट गया, सब खत्म हो गया है। चलो चलो मोटी बहन। बा आपका कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अगर आप इमली को पसंद करती हैं और उसे अपनाना चाहती हैं तो मैं आपकी आज्ञा जरूर पूरी करूंगी। आज मैं ये चुनरी इमली को देकर उसे अपने घर की वहू स्वीकार करती हूँ। इमली बेन खुश हो जा, खुश हो जा तुम तुम्हारे। अरे आप यही तो चाहती थी ने कि मुट्टी बा आपको स्वीकार कर ले और ये चुनर आपको मिल जाए। बधाई बधाई, चुनर आई रही आपके पास। बा आप मुझे इसलिए एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि मोटी बा ने मुझे एक्सेप्ट किया? इसमें पूछने वाली बात क्या है, सच बात तो यही है। क्या आप भी मुझे तोबला तोबला लाइक करने लगी हूँ? थोबड़ा? अरे नहीं नहीं, मुझे अपने घर में कोई फिरंगी थोबड़ा नहीं देखना। अब जो दे रही हूँ वो ले ले, सवाल जवाब मत कर। नहीं पहले आपको आंसर देना होगा तब मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा तो सुन, मैं तुझे ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बा तुझे पसंद करती है। नहीं वो मुझे लाइक नहीं करती है। मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है। एमली बेन एक बात बता, ये प्रेम अचानक से जुड़ कैसे गया है? देख देख। नहीं नहीं पायल मासी, ठीक से देखो, यह फ्रेम चुरा नहीं है, यह तो नया है। नया? हाँ जा जा। अरे ऐसा नया प्रेम इधर गोंडल में मिलता ही नहीं है, हमारे जूनागढ़ में मिलता है। शेम टू शेम। जूनागढ़? हाँ। इसका मतलब यह फ्रेम चमन पाई लेकर आया। अरे चमन भाई कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे वो आरव भाई। आरव? मैंने आरव के बारे में पूछा ही नहीं। मैंने बताया भी नहीं, मैं तो अकेले जा रहा हूँ जूनागढ़। हाँ तो आरव ने जमन को बोलकर यह सेम फ्रेम जूनागढ़ से मंगवाया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।